और चले रुख करेंगे झुंझुनू का, जहां पर यमुना नहर के पानी की मांग को लेकर लोगों का विरोध जारी है। यमुना नहर के पानी की मांग को लेकर एक दर्जन से अधिक यानी करीब 12 गांवों में किसान दे रहे हैं धरना। चुड़ावा सिंघाना मार्ग के लाल चौक बस स्टैंड पर किसानों और ग्रामीणों का धरना बीते 32 दिन से जारी है। 5 राज्यों के बीच साल 1994 में हुए जल समझौते को लागू करवाने की मांग को लेकर अब यमुना जल संघर्ष समिति 12 फरवरी को झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट पर बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। 12 फरवरी को होने वाले प्रदर्शन के लिए किसानों की कमेटी गांव-गांव जाकर प्रदर्शन के लिए पीले चावल देकर निमंत्रण दे रही है। लाल चौक स्टैंड पर धरने पर बैठे किसान बता रहे हैं कि लगातार जल स्तर गिरने से खेती विलुप्त सी होने लगी है। अगर जल्द जिले को नहर का पानी नहीं मिला तो किसानों को खेती छोड़कर अन्यत्र पलायन करना पड़ेगा। नहर के मुद्दे को लेकर के जो क्षेत्र के किसान जहां लाल चौक पर धरना दिए बैठे हैं उनके समर्थन में आया हूं और मेरी पुरजोर मांग है डबल इंजन की सरकार से कि वो किसानों के हित में नहर के मुद्दे को हल करें और लंबे समय से यहां जो ड्राई एरिया हो गया है अब लोगों को पीने के पानी की समस्या भी व्याप्त हो गई है।